Hello everyone. Today let us learn about how actually to open a Gmail account. Gmail account कैसे open किया जाता है? जितने जल्दी हो सके, कम time में, कम समय में कैसे upload, कैसे Gmail account open किया जाता है आप देखेंगे. ये video पूरा last तक देखिएगा. बहुत ही कम समय में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे Gmail account open किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दिस गूगल क्रोम. गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा. फिर यहाँ पे थ्रू गूगल आप ओपन कर सकते हैं या डायरेक्टली गूगल ओपन करके जीमेल टाइप कीजिएगा. ऐसे भी ओपन कर सकते हैं या डायरेक्टली यू कैन ओपन थ्रू बाय टाइपिंग gmail.com. ऐसे भी आप ओपन कर सकते हैं. ओके, तो ये प्रोसीजर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप ट्राई कीजिएगा अकाउंट ओपन करने के लिए. एक ईमेल आईडी आजकल के जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, सो मैं आपको आज जीमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा. अगर आप गूगल के थ्रू जाते हैं तो पहला जो यहाँ पे gmail-google लिखाया गया है इसको क्लिक कीजिएगा, या डायरेक्टली gmail.com क्लिक करने से आपको ये जो पेज ऐसे खुलेगा. तो यहाँ पे आप देखिएगा क्रिएट अकाउंट करके एक ऑप्शन है, वो क्लिक कीजिएगा. यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, फॉर माई सेल्फ एयर टू मैनेज माई बिजनेस. आपके बिजनेस को, बिजनेस के लिए जीमेल आईडी क्रिएट करना है करने के लिए टू मैनेज माई बिजनेस क्लिक करना है. अगर पर्सनल ईमेल आईडी क्रिएट करना है तो माई सेल्फ क्लिक कीजिएगा. उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप कीजिएगा. मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल. और यहाँ पे आप एक यूजर नेम क्रिएट कीजिएगा. मैं यहाँ पे यूजर नेम एक क्रिएट कर रहा हूँ, bsrao123@gmail.com मेरे नाम पे. ओके, तो अगर यहाँ पे देखिएगा दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन. और एक बात आप याद रखिएगा, जो भी अगर मैं खाली bsrao टाइप करूंगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा या एक मैसेज आएगा, यूजर नेम शुड बी इन बिटवीन कैरेक्टर्स 6 और 30 कैरेक्टर्स, लॉन्ग रहना चाहिए. ओके, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, जहां पे 30 कैरेक्टर से बड़ा हो, या ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा. ओके, तो यहाँ पे bsrao 6 कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर bsrao यूजर आईडी नहीं लेगा. सो bsrao 1234 में टाइप करूंगा. लेट मी यहाँ पे मैं चेक करूंगा. तो ये यूजर नेम भी ऑलरेडी कोई यूज कर चुका है. तो जो भी अवेलेबल है, जो bsrao2334, sraob9514, sraob72, सो ये आपको भी, जो भी नाम आपका है उस ऑप्शन से भी आपको भी अवेलेबिलिटी दिखाएगा जी में. ठीक है, मैं यहाँ पे bsrao2334 क्लिक कर रहा हूँ, bsrao2334@gmail.com. ये कहीं पे भी आप डायरी में या कहीं पे भी नोट करके रखिएगा. फिर पासवर्ड या मोबाइल में भी सेव करके रखिएगा. फिर पासवर्ड आप क्रिएट कीजिए. पासवर्ड किसी को भी शेयर मत कीजिएगा. ये भी इसका भी एक लिमिट है, इट शुड बी मोर देन 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए. और यहाँ पे कैरेक्टर्स स्पेशल सिंबल्स, जो ऊपर आपको स्पेशल सिंबल्स दिखेगा @#brackets, ये सब सिंबल और नंबर्स यूज करना है. ओके, ये सब याद रखिएगा. फिर कंफर्म करने के लिए और एक बार आपको पासवर्ड मारिएगा. फिर अगर आपको पासवर्ड देखना है तो शो पासवर्ड मारिएगा, अगर दोनों पासवर्ड सेम है कि नहीं चेक करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट बटन प्रेस कीजिएगा. और नेक्स्ट बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन आप किस जगह से, किस कंट्री से बिलोंग करते हो, तो इंडिया, तो फोन नंबर यहाँ ऑप्शनल है. ओके, सो आई एम नॉट गिविंग माई फोन नंबर, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं. रिकवरी ईमेल एड्रेस, अगर आप पासवर्ड भूल गए या ईमेल आईडी आपका आप भूल गए तो आप रिकवर कर सकते हैं. ये सिर्फ अकाउंट सिक्योरिटी के लिए है, कोई और आपका फोन नंबर या ईमेल आईडी ऑप्शनल ये नहीं देख सकते. ठीक है, सो ओनली फॉर रिकवरी. आप अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यूजर नेम भूल गए तो ये दोनों आपको ये काम की चीज है. यू कैन गिव योर फोन नंबर. ओके, नॉट नेसेसरली, और ये ऑप्शनल है. और रिकवरी ईमेल एड्रेस भी आप दे सकते हैं.
और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ईमेल आईडी ओपन करने के लिए यू शुड इट योर एज शुड बी यू शुड बी मेजर, दैट मीन्स योर एज शुड बी 18। ओके, सो अगर आपका एज लेस देन 18 है तो अल्टीमेटली ये पेज नेक्स्ट पेज के बाद हमेशा एक एरर आपको दिखाएगा। ओके, सो ये आपको जस्ट रिमेम्बर दिस। तो जेंडर इज मेल या फीमेल, और रादर नॉट टू से, अगर आपको इच्छा नहीं है आपको आपका जेंडर डिस्क्लोज करने के लिए, देन दैट आल्सो यू कैन पुट प्रेफर नॉट, रादर नॉट टू से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कस्टम भी कर सकते हैं, व्हाट इज योर जेंडर। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट। क्लियर, सो वही बस छोटा सा इंफॉर्मेशन, बस उसके बाद एक प्राइवेसी एंड टर्म्स है, वहां पे आई एग्री करके प्रेस करेंगे, देन बस ओनली 3 स्टेप्स है। फर्स्ट इज गिव योर पर्सनल डिटेल्स, आपको यूजर नेम, नाम, यूजर नेम क्रिएट करना है। उसके बाद पासवर्ड आपको देना है, उसके बाद ऑप्शनल मे बी योर सेकेंडरी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है, आपका जेंडर, उसके बाद देन टर्म्स एंड पॉलिसी, दैट्स ऑल। टर्म्स एंड पॉलिसी के बाद एग्री करने के बाद आपका ये आपका जीमेल आईडी, ईमेल आईडी आपका क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल वे। और जब भी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसमें इससे कैसे हाउ टू सेंड ए ईमेल। ओके, और कैसे आप यू कैन अटैच फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स हो, या कैसे अटैच करके आप शेयर कर सकते हैं, या यहाँ पे भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे गूगल मैप है, चैट है, गूगल मीट है। ओके, देन कैलेंडर है, वी हैव ड्राइव, गूगल ड्राइव, ये बहुत ही काम की चीज है। ये सब अगले वीडियो में आपको मैं बोलूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बाय।